हेलो फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड संतोष शर्मा आपका शामू कुकिंग में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज हमारी रेसिपी है छोले के कबाब, जो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। कबाब तो हम सब लाइक करते हैं, मगर आज हम केवल छोले के कबाब बनाएंगे। उसके लिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। हमने एक बाउल छोले लिए, उबाल के नमक डाल के लिया है इसको, और हमने एक बड़ा प्याज लिया है, नमक लिया है, और ये लाल मिर्च ली है, अमचूर लिया है, और ये हमने अदरक को लिया ग्रेट करके, और ये हमारा धनिया है, ये हमारी गाजर है, ये हमारी फ्रेंच बीन है, और ये हमने लिया है शिमला मिर्च, और ये दो हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा हमने लिया है बेसन, और थोड़ा हम लेंगे चाट मसाला। ये सब हमारा छोले के कबाब में डलेगा। दाने नहीं दिखने चाहिए, इसको अच्छे से मैश करेंगे हम। मैश करने के बाद ये ऐसे इस तरह से हो गया है, इसमें अब दाने नहीं रहे हैं बिल्कुल भी छोले के। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें ना 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा भुन चुका है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे सौंफ। अपना सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाब के अंदर। अब इसमें डालेंगे हम, हमने एक पूरी ओनियन काटा था छोटा छोटा करके, इसको डालेंगे, इसको थोड़ा भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। हम इसको इसलिए भून रहे हैं, थोड़ा सा इनका कच्चापन निकल जाए, इसलिए हल्का हल्का भून रहे हैं इनको। अब इसके बाद हम अपनी डालेंगे, हमने जो प्याज भी ली थी 5-6 प्याज को काट के बारीक करके लिया है हमने। इसको भी साथ में भून लेते हैं, थोड़ा सा इसमें क्रंच बनेगा तो कबाब के अंदर अच्छा लगेगा फ्लेवर। और इसके बाद हमने एक छोटी शिमला मिर्च लिया है, इसको भी बारीक बारीक काटा है, और हम इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से, फिर सारी सब्जी भर जाए। हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देना है इसमें। बस हो गया हमारा। अब इसमें हम अपना वो डालेंगे छोले जो हमने मैश करके रखे हैं। ये हमारे छोले हैं जो हमने मैश किए थे, इनको हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि इनका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो पक जाए और मॉइस्चर ख़त्म हो जाए बिल्कुल। कबाब बनाते समय हमारे कबाब टूटे ना। हमने इसको मिक्स कर दिया है, इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, थोड़ा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए इसका। अभी हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको हम आप एक बड़े से बाउल में डाल के ठंडा कर लेंगे। ये हमने ट्रांसफर कर लिया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद हम अपने बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। अभी हमारे छोले का पेस्ट ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें अपने सूखे मसाले मिलाएंगे। इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे 3 चम्मच अपना बेसन। ये बेसन हम ले रहे हैं बाइंडिंग के लिए, जिससे हमारे कबाब टूटे नहीं।
एक चम्मच नमक ले रहे हैं हम, और दो हमने हरी मिर्च काटी थी, और ये हमारा हो गया धनिया पाउडर, ये अमचूर हो गया हमारा, अमचूर हमने एक आधा चम्मच लिया है, ये हमने अदरक लिया था घिस के 1 इंच थोड़ा, ये हमने गाजर को पतला पतला काटा है, आधी गाजर ली हमने, और ये हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, और ये हमारी होगी आधा चम्मच लाल मिर्च, और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं चाट मसाला चटपटा टेस्ट देने के लिए। इसमें हमारे सारे मसाले डल चुके हैं, आप चाहें तो फॉक की हेल्प से या फिर हैंड से आप मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और अब सबसे लास्ट में डालेंगे इसमें आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसको अच्छे से आप हैंड से मिक्स कर लेंगे, और अपने मनचाहे शेप में आप कबाब बना सकते हैं, या तो राउंड में बना लें या तो ओवल शेप में बना लें, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मिक्सचर पूरी तरह तैयार हो चुका है, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है या नहीं है। थोड़ा सा हाथ में लेंगे मिक्सचर, अगर वो हमारे हाथ में चिपक नहीं रहा है तो प्रॉपर बना है, तो आप इसके कबाब बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही बना है, परफेक्ट बना है, तो हम इसके कबाब बना सकते हैं। अगर आपका क्या मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया हो तो उसमें आप 1 चम्मच बेसन और डाल के बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, थोड़ा हाथ में तेल लगा के हम इसको शेप देते हैं। फ्रेंड्स, एक हमने तैयार कर लिया है, प्रॉपर ऐसे बनाएंगे, इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे अपने, और एक प्लेट में रख लेंगे। ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं बनके, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने पहले से तेल चढ़ाया हुआ है गैस पे, तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हम अच्छे से गरम कर लेंगे अपना, आप चाहे तो कबाब को कैसे भी फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं, मुझे डीप फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं डीप फ्राई करूँगी, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का खाना है। अब हम इसमें अपने कबाब डाल लेते हैं, धीरे धीरे से डालना है ये, मुझे तेल ना फेल के गैस हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसको पलट देंगे, हल्के हाथ से पलट देंगे जिससे टूटे ना। हल्का गोल्डन कलर देंगे हम इसमें, एक बार और फिर पलट देते हैं हम इसको, कलर तो बहुत सुंदर आ रहा है हमारा इसका। अब हम अपने कबाब निकाल लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनको। कबाब बनके तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग कर रहे हैं, हम इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, और धनिया के साथ गार्निश करेंगे हम इसको।
और हम इसके साथ दे रहे हैं अपनी तीन सॉस। आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये हमारे कबाब, छोले के कबाब तैयार हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।